तो आज मैं करने वाला हूँ बिल्ड बैटल, वो भी अपने दोस्तों के साथ। लेकिन इनको नहीं पता कि मैं करने वाला हूँ चीटिंग / इलीगल के साथ, जिनकी मदद से मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के मोस्ट इलीगल बेसेस। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो ये लोग मुझे बैन कर देंगे। तो तुम लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से उसे दबा दो। तो आज हम लोग करने वाले बिल्ड बैटल, लेकिन ये कोई नॉर्मल वाला बिल्ड बैटल नहीं होने वाला। और जो भी इसमें जीतेगा भाई उसको रियल लाइफ में मिलने वाला कैश। पहले पैसे लगा यार, तेरे पास रियल लाइफ में तो पैसा ही नहीं है। अरे भाई यहाँ पे इतना नहीं बोलना होता सर, जो भी यहाँ पे जीतेगा ना बिल्ड बैटल तो उसको मिलने वाले यहाँ पे रियल में 10,000 रुपीज। और इसमें हम लोग करने वाले 3 राउंड। भाई 10,000 रुपए मिलेंगे, क्या बात है। आज कौन आ रहा है? 11,000 रुपए तू ही रख लेना, मेरे पास बहुत पैसा है यार। अरे तो फिर एक काम करते यहाँ पे भी स्टार्ट करते। और देखो यहाँ पे भाई फर्स्ट वाला कौन सा डैश, तू बता लोगों को। मैं बताऊंगा यार, ये देखो भाई पिलेजर आउटपोस्ट। और इस चीज को बिल्ड करने के लिए हमको यहाँ पे मिलने वाला 8 मिनट का टाइम। तो भाई जाओ यार, क्या फालतू का टाइम पास कर रहे हो तुम लोग। तो अब मैं अपने साइड तो आ चुका हूँ, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि इस बार मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ कुछ इलीगल आइटम्स। तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्लैश, और फिर मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे इलीगल। और 1 मिनट यार, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, और लगता है कि यहाँ पे भाई मेरा इलीगल के नाम पे कट चुका है। और 1 मिनट देखो, सामने मुझे दिख रहा है टूल बॉक्स, तो काम करता हूँ इसको खोलता हूँ, और इसके अंदर मुझे बहुत सारे आइटम मिले। तो काम करता हूँ इसको रखता हूँ जल्दी से अपने पास। तो यार मैं तो दुनिया का सबसे बेस्ट बिल्डर हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो काम करता हूँ जल्दी काम कर लेता यार, छोटी मोटी चीज है, पिलेजर आउटपोस्ट तो ऐसे बनाते रहता हूँ मैं यार। अब सोच रहा हूँ यहाँ पे एक टावर बना देता हूँ, और ये डर्ट का बनाऊँ क्या? नहीं यार, बेस डर्ट का बनाता हूँ, लेकिन उसके ऊपर ना मैं एकदम भयानक से स्टोन्स लगाने वाला हूँ। और बस इसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए 4-5 आइटम, उसमें से पहला है क्रिएटिव मोटर, और फिर उसके बाद है रेंच, और मुझे मिला यहाँ पे इंजीनियरिंग गॉगल्स जिसको पहनते हैं। और अब मैं यहाँ पे बन चुका हूँ ना इंजीनियर, यानी कि भाई बेरोजगार। तो एक काम करता हूँ, और देखो यहाँ पे मेरे पास है सुपर ग्लू, और अभी बस तुमको पहले इसका डेमो दिखाना पड़ेगा मुझे। और पहले मैं रखूंगा यहाँ पे क्रिएटिव मोटर, और उसके बाद इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे मैकेनिकल बेयरिंग, और इसके साथ मैं यहाँ पे जोड़ने वाला हूँ ये वाला ग्रास ब्लॉक, और मैं इसके बाजू में लगा दूंगा यहाँ पे बहुत सारा ग्लू, और फिर यहाँ पे भी 1-2 ब्लॉक और चिपकाते हैं। और एक काम करता हूँ, जो बॉटम वाले ब्लॉक है ना इसको मैं यहाँ पे तोड़ देता हूँ ताकि अच्छे से रोटेट कर पाए। और अगर यहाँ पे ये मेरा मशीन काम कर जाता है तो मैं यहाँ पे एक ऐसे इलीगल बेस बनाने वाला हूँ कि भाई वो लोग देख के पागल होने वाले हैं। तो देखो बस मुझे यहाँ पे करना है 3-2-1 स्टार्ट। ओ भाई देखो क्या सही घूम रहा है भाई ये गोल गोल। ओ भाई यार मैंने इतना सही तो एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज। तो काम करता हूँ भाई इसको रोकता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बहुत बड़ा सा गड्ढा, और उसके नीचे में रहेगा हम लोग का मेन जो है पिलेजर आउटपोस्ट। और एक काम करता हूँ मैं एक बार देख के आता हूँ कि भाई फ्लिक यहाँ पे बिल्ड क्या कर रहा है, और भाई वैसे भी एकदम फालतू के बिल्ड करता है वो। और भाई देखो 1 मिनट यार, इसने तो बहुत कुछ बना भी लिया है यार। काम करता हूँ उसको बंद कर देता हूँ उससे पहले कि देखे। और अभी चलता हूँ मैं जल्दी से, पहले जगह खाली करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास है यहाँ पे रेंच, तो देखो बस मुझे यहाँ पे इस कोंटे में इसको सिलेक्ट करना है, और फिर मैं जाऊंगा इस वाले एंड में। और बस अभी मुझे यहाँ पे लिखना है सेट एयर, और जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा एक गंदा वाला गड्ढा हो चुका है। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका एक स्केमेटिक, तो मैं जल्दी से इसको पेस्ट कर दूंगा। और 1 मिनट यार, ये कौन सा वाला बेस आ चुका है? ओ भाई ये तो बहुत ही ज्यादा कस्टम वाला मुझे दिख रहा है पिलेजर आउटपोस्ट। और बस यहाँ पे एक चीज की कमी है, जो कि है खुद पिलेजर्स की। तो भाई इनको तो मैं स्पॉन कर दूंगा। और अभी मेरे पास यहाँ पे 2-2 टावर है भाई, और इन लोग के पास सिर्फ एक होगा। और बस देखो अभी यहाँ पे भाई मैंने पीछे से पूरा कवर कर दिया है। और पहले यहाँ पे जो अपना फेक वाला पिलेजर आउटपोस्ट है उसके लिए मैं यहाँ पे बेस बनाता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे मैं एक और लेयर बनाने वाला हूँ डर्ट की। और देखो आखिरकार अभी यहाँ पे बन चुका है मेरा बेस, और बस एक बार इसको ट्राई करना है भाई, बस ये काम कर जाए। ओ भाई 1 मिनट देखो क्या सही दिख रहा है ये। और मैं ना अब इसकी स्पीड यहाँ पे कम भी कर सकता हूँ, देखो बस मुझे यहाँ पे स्क्रॉल करना है, इसका आरपीएम कम हो रहा है, और देखो भाई कितना स्लो हो चुका है। और एक काम करता हूँ जल्दी से इस चीज को बंद करता हूँ। और 1 मिनट ये क्या हो गया? ओ भाई ये तो यार पूरा ऐसे वर्टिकल में रुक चुका है, और भाई कितना गंदा सा दिख रहा है। तो एक काम करो भाई इसको ऑन करता हूँ, और एकदम सही टाइम पे इसको बंद करना पड़ेगा मुझे। ऑलराइट भाई देखो अभी यहाँ पे बंद हो चुका है, और बस अभी मुझे यहाँ पे बिल्ड करना है गंदा सा पिलेजर आउटपोस्ट। तो एक काम करता हूँ जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे ब्लॉक लगाना स्टार्ट करता हूँ, और इस पिलेजर आउटपोस्ट को जल्दी से खत्म करता हूँ। और भाई देखो आखिरकार यहाँ पे बन चुका है पिलेजर आउटपोस्ट। और बस यहाँ पे देखो 2-3 चीजें मुझे ऐड करनी है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पहले कुछ ग्लू, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ चेस्ट। और जब तक यहाँ पे कोई पिलेजर नहीं होगा तो यार ये कौन सा वाला पिलेजर आउटपोस्ट होगा। तो काम करता हूँ जल्दी से मैं रखता हूँ यहाँ पे ग्लू, और इसको मैं रखता हूँ इसके ऊपर, और शायद अभी ये यहाँ से हिलेगा नहीं। तो यार देखो यहाँ पे अभी हम लोग का बेस पूरा कम्प्लीट हो चुका है। यार भाई तू भाग क्यों रहा है? काम करता हूँ भाई इसको तो मारता हूँ मैं गन से, और रुको भाई कौन सी वाली गन लूँ मैं। और एक काम करता हूँ अब मैं इस वाली गन से इसको मारता हूँ हेडशॉट, और अगर मैंने इसको अभी हेडशॉट मार दिया तो अभी तुमको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। और भाई देखो आखिरकार मैं इसको मार दिया। ओ भाई देखो एक हेडशॉट में, तो यार भाई जाओ जल्दी से यहाँ पे लाइक कर दो, और अब मैं तुमको दिखाने वाला हूँ इसका असली जलवा। और भाई देखो बस इसको स्टार्ट कर दो एक बारी। ओ यार भाई ये ब्लॉक से आर पर कैसे हुआ यार, लेकिन बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है। तो एक काम करता हूँ जल्दी से मैं पहले देखता हूँ यार डैश कर क्या रहा है। और भाई देखो यहाँ पे तो इसने अच्छा सा बिल्ड किया है, लेकिन भाई तो नॉर्मल सा दिख रहा है। और बस यार भाई यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे पंपकिन लगा दिया है, और अब चलता हूँ जल्दी से मैं इसके नीचे वाले बेस में। और अभी इस वाली जगह को देख के मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे ना इन लोग की कुछ तो फाइटिंग
बिल्डिंग होती है। तो अभी यहाँ पे मैं जल्दी से स्पॉन करता हूँ एक आयरन गोलम को, और इसके सामने में हम लोग रखने वाले यहाँ पे बहुत सारे पिलेजर्स को, और उसके बाद यहाँ पे मैं स्पॉन करूंगा बहुत सारे पिलेजर्स को। और बस यार भाई, इससे ज्यादा शायद मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। और तुमको मेरा बेस कैसा लगा भाई, तुम मुझे जल्दी से आगे कॉमेंट में बता सकते हो। और देखते कि भाई अभी तक फ्लिक ने तो खत्म ही कर दिया होगा भाई, आखिरी का एक मिनट भी बाकी नहीं है। और भाई यार इससे कुछ भी नहीं किया, एक काम करता हूँ इसकी मैं यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प करता हूँ, और जल्दी से मैं लेता हूँ अपने पास यहाँ पे इनविजिबिलिटी वाला पोशन। और अभी मुझे बिल्कुल नहीं देख सकता, तो अब एक काम करता हूँ मैंने इसका पूरा का पूरा कलर यहाँ पे चेंज करता हूँ। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के मैंने कर दिया इसको सिलेक्ट, और इसको हम लोग करने वाले पिंक कलर में। ओ भाई देखो क्या सही लग रहा है यार, ये क्या हो गया मेरे बेस में यार, ये पिंक कलर का किसने बना दिया इसको भाई, भूल लगा के भाग गया है कोई भाई, कौन होगा ये यार, ये दोनों में से कोई होगा, रुक जाओ देखता हूँ यार ये लोग क्या कर रहे हैं। और बस अभी यहाँ पे एक लास्ट चीज बाकी है यार भाई, मैं इसको ऐसे खुला तो नहीं छोड़ सकता ना, तो काम करता भाई इसके आजू बाजू में यहाँ पे बहुत कुछ पैक कर देता हूँ मैं। तो भाई देखो इसके आसपास भी मैं बहुत सारे घास उगा लेता हूँ, और देखो भाई यहाँ पे हम लोग का बेस बन चुका है। और भाई यहाँ पे तो किसी को भी शक नहीं होने वाला यार, टाइम खत्म हो चुका, किधर हो यार, आ जाओ जल्दी। अरे भाई मैं आ चुका ऑलरेडी यहाँ पे बीच में, और भाई पहले अपना बेस कौन दिखाएगा। अरे मुझे क्या पता, एक काम करो मेरे ही देख लो। चल चल भाई पहले एकदम गंदा बेस देखते हैं। और भाई एक मिनट, ये क्या है भाई, ये क्या है, चीटिंग करी थी भाई यार, ये मैंने ऐसा बनाया नहीं था। अरे भाई किसी ने कुछ नहीं किया यार, यार तुमने वैसे किसी ने चीटिंग किया यार, वैसे भी यार पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है, आ जाओ ऊपर। या तो काम करते हैं भाई एक बार अंदर से देखते हैं, या तो काम करते हैं इसके एकदम टॉप वाले फ्लोर में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया भाई, कुछ भी खास नहीं यार, ये तो बहुत गंदा सा बिल्ड किया इसने। अरे पूरा ओपन एरिया है भाई, तू यहाँ से हवा ले सकता है यार, पिलेजर रहती है, बार भी रहती है इधर, वही तो यार रहते हैं यहाँ पे। तो एक काम करो तुम लोग अभी कॉमेंट में जाके बताओ कि भाई तुमको फ्लिक का बेस कैसा लगा, और इस बेस को तुम रेट करना 10 out of 10। और भाई मैं तो इस बेस को दूंगा भाई 4 नंबर भाई, 9 नंबर दूंगा भाई। और अभी यहाँ पे फ्लिक को मिले भाई 20 में से 6। और अभी नेक्स्ट बारी है भाई डैश की, तो एक काम करते डैश का बेस देखते यार। यार नॉर्मल नहीं है, अभी अंदर आओ तुम लोग यार, बता तुमको ये देखो ऑरेंज कारपेट है। अरे बस भाई यार इसमें क्या होगा, लेकिन यार ये पिलेजर का घर तो भाई बिस्किट जैसा दिख रहा है। अरे भाई कौन सा बिस्किट, लेकिन अरे ऑरेंज बिस्किट ऐसी रहती है भाई, ब्लैक कलर के चॉकलेट के साथ। यार बहुत मारेंगे तुझे पिलेजर, समझा, बिस्किट बोल रहा हूँ घर को तू। यार इसको रेट कितना करेगा राहुल तू वैसे? अरे भाई मैं इसको दूंगा भाई 6 या 7। भाई मैं तो 6 नंबर दूंगा यार। तो काम करते चलते भाई अभी आखिरी वाले बिल्ड में, जो की है मेरा यार कुछ ज्यादा फालतू नहीं था ये, क्या था यार ये, इससे अच्छा तो मेरा पिंक वाला था। और भाई देखो ये भाई आज तक का एकदम बेस्ट वाला पिलेजर आउटपोस्ट। अबे ये तो है ही नहीं, ये क्या है, ये क्या छी भाई यार, कुत्ता नहीं रहेगा कुत्ता भाई, क्या ये गंदा छी यार, यार ये तो कुछ है ही नहीं यार, कचरा बना के रख दिया यार, मजाक चालू है क्या, ये कोई कॉम्पिटिशन है छी यहाँ पे, सच में अपने कुत्ते को मारो। और यार मैंने अभी तुम लोग से यहाँ पे झूठ कहा है भाई, ये वाला बेस मेरा फेक वाला बेस है भाई, जो असली वाला बेस है मैं तुमको दिखाता हूँ, रुको। अरे तोड़ रहा है पागल, और देखो भाई कर रहा है ये, अरे ये क्या हुआ, अरे भाई देख रहे हो, अरे तो आड़ा हो गया, अरे यहाँ पे अभी अंदर आओ, ये है भाई मेरा असली वाला बेस। अरे बाप रे ये क्या बना दिया भाई, ये यार क्या हो रहा है, ये पॉसिबल है, मैं नहीं मानता यार। और देखो अभी यहाँ पे आयरन गोलम और इन लोग का यहाँ पे कंपटीशन होगा, देखो अभी भाई 8 मिनट में ये सब कैसे बना सकते हैं, लेकिन और भाई इससे ज्यादा अच्छा तो शायद कोई भी बिल्ड नहीं कर सकता यार। तो काम करते भाई बाहर चलते पहले, और अभी तुम लोग भाई मेरे वाले बेस को कितना नंबर दोगे? यार तुमने बनाया तो ठीक ही है वैसे, अगर चीटिंग नहीं है ना तो मैं देना चाहूंगा 7 या 8 नंबर इसको, मैं तो 9 दे दूंगा भाई फिर। अरे तो भाई मतलब ये वाला राउंड तो मैं जीत चुका हूँ भाई, रोको क्यों यार, इंसान है भाई, जल्दी आओ यार नेक्स्ट वाला टास्क देखते, आ जाओ। और अभी यहाँ पे भाई कौन निकालेगा अभी नेक्स्ट? मैं निकालता हूँ, निकाल दिया मैंने भाई, क्या कौन सा आया भाई यार, कस्टम पिरामिड, तुम लोग भी देख लो भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। और यार इस वाले बिल्ड के लिए हमको मिलने वाला भाई 9 मिनट का टाइम, या तो चलते भाई बिल्ड करने के लिए। और इस बार हमको बनाना है कस्टम पिरामिड, और तुमको तो पता है कि मेरे पास है यहाँ पे एकदम खतरनाक इलीगल ब्लॉक्स, तो एक काम करता हूँ जल्दी से मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ इलीगल, और देखते हैं इस बार मुझे क्या मिलता है। और देखो भाई इस बार भी सामने में आ चुका है एक और टूल बॉक्स, और देखो इस बार ये तो भाई ब्लैक कलर का है, और इसके अंदर मुझे दिख रहे भाई फ्रेम चेस्ट, फ्रेम डोर, भाई यहाँ पे ये क्या यार, ये तो कुछ अजीब से ब्लॉक दिख रहे। तो एक काम करता हूँ इसको रखता हूँ मैं, और शायद ना हमको इनकी हेल्प से यहाँ पे बहुत कुछ बिल्ड करना है। और एक मिनट यार ये किस टाइप के ब्लॉक है यार, ये तो कुछ ज्यादा इलीगल ब्लॉक दिख रहे। तो काम करता हूँ इसको रख के देखता हूँ, और इनका एक बारी शेप देखो भाई, इस टाइप का शेप तो मैंने पूरे माइनक्राफ्ट में नहीं देखा कहीं पे। और अगर मैं यहाँ पे ये 2-3 ब्लॉक इनको लगा के देखूं, एक मिनट ये क्या देख रहा हूँ मैं, और इस टाइप का व्हाइट कॉन्क्रीट तो भाई तुमने कहीं नहीं देखे होंगे। और इसको मैं लगा के देखता हूँ ग्रास, और यहाँ पे तो ग्रास का पूरा ट्रायंगल बन चुका है यार। काम करता हूँ इसको तोड़ता हूँ मैं जल्दी से पहले, और अभी अभी जस्ट मुझे आइडिया है क्योंकि हमको यहाँ पे बनाना है कस्टम पिरामिड, और देखो उसके लिए एकदम बेस्ट वाला ब्लॉक रहेगा ये। तो एक काम करता हूँ इसको तोड़ता हूँ, और मैं इसको बनाऊंगा यहाँ पे डायमंड के ब्लॉक का, और फिर एक बार इसको कन्वर्ट करके देखता हूँ डायमंड में। यार डायमंड में तो कुछ ज्यादा ही सही दिख रहा है यार। देखो अब मैंने यहाँ पे फाइनल कर दिया है कि मुझे यहाँ पे बनाना है डायमंड का कस्टम पिरामिड। और यार एक बार इसका लुक देखो, जो ऐसे नॉर्मल वाला डायमंड का पिरामिड होगा ना यार उसमें ब्लॉक्स दिखेंगे, लेकिन जो हम लोग वाला कस्टम पिरामिड होगा यार इसमें तुमको ब्लॉक नहीं दिखेंगे, ये एकदम स्मूथ रहेगा। और देखो एटलीस्ट हम इसको 20 ब्लॉक लंबा तो करने वाले। और बस इसको जल्दी से यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता हूँ मैं, और देखो यहाँ पे मैंने एक लेयर कंप्लीट कर दिया है। और एक काम करता हूँ जल्दी से ना मैं यहाँ पे तुमको डायमंड लगा के दिखाता हूँ। और देखो मैंने तो अभी तक इसका बेस भी कंप्लीट नहीं किया यार, लेकिन कितना अच्छा दिख रहा भाई ऑलरेडी देखो एक बारी। तो एक काम करता हूँ जल्दी से मैं इसको खत्म करता हूँ और फिर तुम लोग को दिखाता हूँ। और बस ये आखिरी वाला ब्लॉक बाकी है, और इसमें लगा देता हूँ डायमंड, और यहाँ पे बन चुका हमारा पूरा पिरामिड। और देखो यार कितना सही लग रहा है यार, इसमें तुमको कोई ब्लॉक नहीं
भी दिखेगा। यार देखो ये तो एकदम यूनिक सा मैंने बनाया हो। अच्छा देखो यहाँ पे भाई डैश ने पूरा बीकन डाल दिया है और यार ये फ्लिक कर क्या रहा है, काम करता हूँ यहीं से देखता हूँ। यार भाई इन लोग ने भी इस बार कुछ अच्छा बिल्ड किया शायद। और ये काम करता हूँ मैं एक बार तुमको इसको अंदर से दिखाता हूँ। काम करता है यहाँ पे एक ब्लॉक तोड़ता हूँ मैं और देखो यार अंदर से भी कितना सही दिख रहा है। और देखो यार यहाँ पे ना मुझे अंदर से ब्लॉक दिख रहे हैं यार लेकिन बाहर से एक भी ब्लॉक नहीं दिख रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो इसकी फ्लोरिंग है ना यार वो बहुत ज्यादा गंदी लग रही है। और देखो यहाँ पे ग्रास वैसे भी अच्छा नहीं लगने वाला। तो काम करता हूँ इस कोंटे को सिलेक्ट करता हूँ और अभी जल्दी से मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ भाई डायमंड के ब्लॉक्स में। और अब लग रहा है ना हम लोग का एकदम सही वाला पिरामिड यार। लेकिन इसमें अभी भी दो तीन आइटम और मुझे ऐड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लेके आया हूँ चेस्ट और इसको भी मैं कोई भी ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ यार बहुत ज्यादा डायमंड हो चुका है, क्यों ना अभी मैं यहाँ पे यूज करूँ गोल्ड ब्लॉक। और एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं लगाता हूँ भाई गोल्ड और अब ना मैं इसको और भी ब्लॉक का बना सकता हूँ। और देखो अब मैंने यहाँ पे 5 चेस्ट लगा दिया है और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है डर्ट से और फिर उसके बाद आयरन और फिर एमरल्ड और गोल्ड और आखिरी वाला भाई तुम लोग मुझे कमेंट बताओ कौन सा वाला है। और अभी बस एक आखिरी चीज बाकी है जो कि है फ्रेम स्टेयर्स, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि इस साइड से लगाता हूँ। और देखो पहले यहाँ पे 3 ब्लॉक तोड़ता हूँ और इसकी जगह में यहाँ पे लगाते हैं स्टेयर्स और ऐसे करते करते हम लोग आएंगे टॉप तक के। और बस अभी यहाँ पे ये आखिरी वाला ब्लॉक बाकी है और देखो यहाँ पे बन चुका स्टेयर्स। और अगर तुम इसको दूर से देखोगे तो तुमको बिल्कुल नहीं समझेगा कि भाई यहाँ पे कोई स्टेयर्स है। और देखो आखिरकार यहाँ पे मेरा जो कस्टम पिरामिड था वो बन चुका है। और अभी तुम लोग इस बेस को कितना रेट करना चाहोगे भाई मुझे कमेंट बता दो। और इससे ज्यादा यूनिक और इससे ज्यादा इलीगल भाई मैंने आज तक की नहीं देखा कुछ भी। और यार यहाँ पे अभी हम लोग का टाइम खत्म हो चुका है भाई, कहाँ पे हो तुम लोग? यार हम दोनों तो यही पर है, तू कहाँ पर रह गया था यार? टाइम तब का हो चुका था, डिस्क्वालीफाई हो चुका है, तो भाग गया। तो भाई मैं आ चुका और भाई अपना बेस कौन दिखाएगा पहले? अभी मैं दिखाऊंगा, आ जा मेरे बेस में। और भाई एक मिनट, ये क्या है तेरे बेस में भाई? इसको बोलते पिरामिड, मेरा दिमाग खराब हो चुका था पूरा। भाई अच्छा तो दिख रहा है यार, लेकिन भाई अंदर से तो खोखला ही है वही तो। अरे गोल्ड वाला था यार, टाइम नहीं था इतना मेरे पास, और लगा दिया मैंने अच्छा लगना चाहिए करके। और भाई एक मिनट, और तो कुछ ज्यादा ही है। हाँ भाई और अच्छी बात है, और लगा दो क्या? और ये देखिए यार सबसे खास चीज बीकन है, दो दो ऑरेंज कलर के, इतना खास है बता नहीं सकता भाई, बहुत खास चीज बनाया मैंने। और भाई एक मिनट यार, ये कौन सा आइटम है भाई? ऐसी सीढ़ी कौन बना सकता है भाई? मैं बना सकता हूँ यार, बापू मैं इस गेम का। ये देखो हम लोग कैसे भी चढ़ सकते हैं, अंदर बाहर पीछे नीचे आगे सबसे। लैंटर्न भी भाई हवा में लटक रहे हैं ये सब टॉर्चेस के साथ। अरे तो यार ये हवा महल है यार, हवा महल राजस्थान वाला। यार तुम लोग लेकिन बेस को कितना रेट करोगे? यार भाई बेस तो काफी अच्छा दिख रहा है, तो भाई मैं इसको दूंगा 8 नंबर भाई। मैं 10 में से 1, 10 में से 8, चलो 16 हो गए मेरे। अरे एक भाई, नहीं भाई हिंदी नहीं चलती, इंग्लिश में तूने 8 बोल दिया। अरे यार भाई ये क्या हो गया? अब चलो फ्लिक के बिल्ड में। और ये क्या गंदा है? और भाई एक मिनट, ये क्या है भाई? तो पिरामिड है। और क्या इसके अंदर? मम्मी भी रखे बहुत सारे। अरे कहां है भाई? किधर है? अरे अंदर में है ना, तो कहां है भाई? तो भाई इसका डोर कहां है? और भाई देखो यहाँ पे इसने 3-3 डोर क्यों लगा के रखा है? अरे 3 डोर भाई, बड़े लोग आते ना इधर इसलिए भाई, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे लोग आते लगता है। ये देखो भाई ये मम्मी भाई, ये अरे भाई ये क्या फालतू है भाई, एक मिनट भाई इसकी स्पेलिंग क्या है भाई? तो अनपढ़ है ये तो पूरा भाई। मम्मी तो मर चुकी है लेकिन। अरे उसको जिंदा कर सकता हूँ मैं, उसको रात को करता हूँ मैं। अरे देखो मम्मी का फेस रिवील हो गया यार। डैश तूने क्यों उठा दिया भाई? हजारों सालों से ये मम्मी लेटी हुई थी, मतलब लेटा हुआ था, पता नहीं क्या था यार ये। भाई सही कहा, मैंने स्पॉन कर दिया भाई, नया आविष्कार किया। 1000 साल लेकिन कम लग रहा है, 1500 साल पहले होगा भाई, 1500-2000 साल पहले। और भाई बाकी सब तो ठीक है भाई, लेकिन यार ये तो कोई भी एंगल से दिख नहीं रहा है पिरामिड। यार मुझे ही नहीं पता यार मैंने क्या बनाया, बस मुझे अच्छा लगा था तो मैंने इसको बना दिया भाई, सोच सोच के। बहुत ज्यादा दिमाग है ना मेरे पास भाई। फेरो बोलते हैं इसको, पिरामिड नहीं बोलते, पागल हो गया तू? कमेंट करके पिरामिड और फेरो एक ही चीज होता है भाई, सेम ही सेम लग रहा था यार दोनों। यार तुम दोनों फालतू की बातें छोड़ो भाई, ये बताओ रेटिंग कितना दोगे भाई? मैं इसको दूंगा 6 भाई। अरे मैं 7 दूंगा भाई इसको, चलो ठीक है। अरे भाई अपने बिल्ड को हम लोग रेट नहीं कर सकते क्या, फालतू आदमी है। और अब मैं तुमको दिखाऊंगा भाई अपना वाला पिरामिड। मैं जीत चुका हूँ वैसे भी, चल फिर भी तेरा देख लेते हैं, आजा। ये क्या है? और भाई तुमको इस टाइप का पिरामिड कहीं पे भी नहीं मिलेगा। देखो भाई यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं दिखेगा तुमको भाई, एकदम इम्पॉसिबल नहीं है यार, ये क्या कर दिया? और एकदम स्मूथ है, कुछ नहीं बनाता इससे अच्छा, तो कुछ नहीं बनाता भाई, पैसा दे देता मुझे। क्या फालतू है यार, यहाँ पर कोई ब्लॉक क्यों नहीं है यार, एकदम स्मूथ और चिकना एकदम। और भाई इसका एंट्रेंस ढूंढ के दिखाओ यार। यार यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ये रहा एंट्रेंस, ये देखो, खोलो खोलो ये क्या है? इतना सा बनाया यार तूने, अंदर से तो नॉर्मली दिख रहा है, फालतू है ये पूरा। अरे भाई देखो यहाँ पे, देखो मेन है भाई ये चेस्ट यार, इससे तो बहुत ज्यादा अच्छा था मेरा। और इतना जोरदार बेस है भाई, हमने तो कुछ बोला ही नहीं था भाई, इसको देख के बोलती बंद हो गई हमारी। अरे इस टाइप का ब्लॉक किधर मिलेगा वो बता भाई, ये क्या है? अरे 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 भाई इसको छोड़ छोड़, काम करते बाहर चलते हैं। अरे क्या है? अरे बाहर भाई। और यार अभी तुम लोग भाई मेरे वाले बेस को कितना रेट करना चाहोगे? मैं तो 5 स्टार दूंगा भाई, मैं तो 3 ही दूंगा भाई सिर्फ। और चलते भाई अभी हम लोग के आखिरी वाले राउंड में। और यार इस वाले राउंड में कौन है भाई विनर? यार देखो जीता तो मैं ही हूँ, सबको बताया सबसे ज्यादा स्टार मेरे थे। यार ये तो मैं जीत गया सेकंड राउंड, अब बारी आखिरी बिल्ड की। तो यार आखिरी बिल्ड को मैं निकाल रहा हूँ भाई, क्या था देखते। तो यार मैं जा रहा हूँ अगला वाला बिल्ड देखने के लिए, देखते क्या मिलता है। ओके अरे ये क्या मिला? सुपर हीरो यार, तुम लोग भी देखो। और भाई इसको बिल्ड करने के लिए कितना टाइम मिला यार? भाई 5 मिनट मिला है सिर्फ, 5 मिनट यार भाई, 5 मिनट तो बहुत कम होता है यार। तो काम करते चलते भाई अपना बिल्ड बनाने के लिए। मैं तो आयरन मैन बनाऊंगा यार भाई।
अरे रवि, इस बार हमको बनाना है भाई सुपर हीरो, और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार कौन सा सुपर हीरो बनाऊं, लेकिन बहुत ही कम टाइम मिला है यार। यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, और 5 मिनट में तो देखो यार यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगा, और मुझे यहाँ पे आखिरी बार यूज करना पड़ेगा इलीगल वाले मॉड का। तो एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं यहाँ पे लिखता हूँ /इलीगल। अरे भाई देखो, ये रहा हम लोग का टूल बॉक्स। और भाई एक मिनट यार, यहाँ पे ये क्या कर आयरन गोलम? और यार ये ना यार फ्लिक के बिल्ड में था। और भाई इस बार हमको मिला एक ब्राउन कलर का टूल बॉक्स, और इसके अंदर मुझे मिला ब्रश। अरे भाई का साफ सफाई करूंगा क्या मैं यहाँ पे? और यार देखो एक मिनट, अभी मुझे याद आया यार, इस वाली चीज से तो मैं यहाँ पे भाई ड्राइंग कर सकता हूँ। यार देखो यहाँ पे वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, और अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम यहाँ पे कौन सा सुपर हीरो ड्रॉ करते तुम मुझे कमेंट बताओ। और मैं अभी सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे आने वाली डेडपूल, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक डेडपूल का स्टैचू। और एक काम करता हूँ, जल्दी से मुझे यहाँ पे ड्रॉइंग करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं अपना स्टैचू बनाने वाला हूँ यहीं कहीं पे। तो एक काम करते, इसको रखता हूँ। और देखो यहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कितना बड़ा चाहिए। तो भाई मुझे तो यहाँ पे मैक्सिमम वाला चाहिए। और देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे पेंसिल है, फील, और पता नहीं यार यहाँ पे बहुत कुछ है। और देखो इस साइड में पूरे कलर्स, और देखो इसका मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे लूंगा रेड कलर, और रेड कलर से पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा भाई उसका मुंह। और देखो भाई इस टाइप से होता है ना भाई डेडपूल का मुंह, और फिर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे उसकी आंखें। और देखो ये रहा उसका मुंह। तो भाई देखो इस चीज को मुझे फील करना पड़ेगा पहले। देखो भाई इसको अभी मैंने पूरा ब्लैक कलर कर दिया इसकी आंखें, और बस अभी मुझे यहाँ पे इसकी बॉडी बनाना है। तो देखो भाई ये रहे इसके हाथ, और यहाँ पे इसके पैर, और भाई शायद अभी जान जाएगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। और यहाँ पे ना ब्लैक कलर के मुझे बीच बीच में बहुत सारे पट्टे डालने पड़ेंगे, और कहीं ये डेडपूल को यहाँ पे शक्तिमान ना समझे। तो एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया। तो यहाँ पे लिखते हैं डेडपूल। तो एक काम करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट करता हूँ मैं जल्दी से। और देखो भाई यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है, तो बस अभी मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इसको करते हैं अभी डन। और भाई एक मिनट यार, कौन सी गंदी सी ड्रॉइंग इस पे छप गई है। तो अब एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेस्ट, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या पेस्ट होता है अभी। और भाई देखो एक मिनट यार, यहाँ पे मेरा डेडपूल पूरा पेस्ट हो चुका है। और भाई क्या सही दिख रहा है। और देखो यार मैंने जिस टाइप से ड्रॉइंग किया था ना, वही टाइप से बनाई है। और भाई एक बार इसका मुंह देखो यार, क्या परफेक्ट बनाया इसने यार। भाई ये तो बहुत अच्छी काम की चीज है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं, तो एक काम करो, इस वीडियो में मुझे लाइक चाहिए 5K, और तुम कमेंट में लिखना पार्ट 2। और बस अभी यहाँ पे कुछ आखिरी का एक मिनट भी बाकी नहीं होगा। तो एक काम करते, एक बार मैं अंदर जाके देखता हूँ। और एक काम करते भाई, एकदम इसके पेट के बीचों बीच से घुसता हूँ मैं। और भाई देखो ये तो वैसे भी अंदर से पूरा खाली है। वो भाई देखो क्या सही जगह है ये। तो एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ जल्दी से बाहर, और देखते कि यहाँ पे डैश ऑफ फ्लिक ने क्या बनाया। और यार अभी यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका भाई, कहाँ पे तुम लोग? मैं तो इधर ही था भाई बहुत देर से। और यहाँ पे भाई लेकिन डैश का है, यहाँ पर हूँ यार मैं। और ये सब कैसे बिल्ड है भाई तुम्हारे? यही से देख सकता हूँ मैं भाई, क्या बना दिया तुमने ये सब कचरा। अरे तो भाई एक काम करो ना, मैं तुमको दिखा तो अपना बिल्ड पहले। और भाई देखो मैंने यहाँ पे बिल्ड किया है डेडपूल, और देखो क्या सही लग रहा है यार ये। यार मुझे तो लग रहा है इसका बाप डेडपूल था, और उसकी मम्मी स्पाइडरमैन। और अभी तुम लोग मेरे इस बेस को कितना रेट कर रहे हो यार? यार ठीक ही बनाया तूने, लग तो नहीं रहा तूने अपने हाथों से बनाया होगा, लेकिन फिर भी यार 8 देना चाहूंगा। 8 यार, इसके कपड़े तो फटे हैं भाई, मैं तो सिर्फ इसको 8 दूंगा। अरे तो भाई 8 भी बहुत होता है। और भाई अभी अपना नेक्स्ट बेस कौन दिखाएगा? फ्लिक की बारी यार, पिछली बार मैंने पहले दिखाया। मैं दिखाता हूँ, आ जाओ भाई, ये देखो स्पाइडरमैन। अरे भाई कौन सा स्पाइडरमैन है ये? अरे वो उधर भाई तो फूल चुका है यार, भाई फैल चुका स्पाइडरमैन ही वाला। अरे तो भाई मोटा वाला स्पाइडरमैन नहीं हो सकता क्या? अरे भाई तो पंजाबी है यार। अरे भाई तो पंजाबी है, पीछे की तरफ है यार, कुछ ज्यादा फैला हुआ स्पाइडरमैन है। और इसका पिछवाड़ा कहाँ गया भाई? है ही नहीं पिछवाड़ा। अंदर की तरफ यार, तुम लोग को लगता है मोटे इंसानों का हर बार बाहर होगा, लेकिन इस बार अंदर है। अरे भाई ये क्या फालतू बातें कर रहे हो? और भाई इसके पैर के बीच में यहाँ पे छेद क्यों है? अरे गोली लगी थी भाई उसको, भाग क्या है? अभी मोटा है ना, थोड़ा धीरे भागता है भाई। आर्मी का बंदा है क्या ये? आर्मी में गया था शायद। यार तुम लोग फालतू की बातें छोड़ो, ये बताओ रेट कितना करोगे इसको? भाई इसका रेट तो 10 रुपए होना चाहिए, लेकिन रेटिंग दूंगा मैं 8। और भाई क्योंकि यार ये अपना एकदम सही वाला स्पाइडरमैन है, तो मैं इसको दूंगा भाई 8। और ये क्या है भाई? अरे ये कैसा मुंह है इसका? और भाई ये भाई आयरन मैन है, वो खतरनाक आदमी है। बाजू जो बहुत मारेगा। अरे भाई कहाँ से दिख रहा है लेकिन ये आयरन मैन? और भाई इसकी आंखों को क्या हो गया भाई? तो वो दिख रहा है चाइनीज। और भाई एक मिनट यार, यहाँ पे ये जो आयरन मैन तो सूख क्यों गया यार? यार इसका खाना स्पाइडरमैन खा गया यार, वो देख इसलिए इतना फूल गया, वो नीचे से कितना फैल चुका है। देखो यार इसकी रेटिंग कितना देना चाहते हो? यार भाई मैं इसको 8 दूंगा यार। अरे भाई सब लोग 8 क्यों दे रहे हैं, क्या हो गया सबको? 8 दिया मैंने भी इसको। अरे तो भाई काम करो, पहले आप बीच वाले प्लेटफॉर्म में आओ। और यार लास्ट वाले राउंड में यहाँ पे हर किसी के बिल्ड को मिल चुका है 8 नंबर, और यहाँ पे हो चुका है टाई। और ऑलरेडी इससे पहले एक राउंड मैच जीत चुका था, और इसके पिछला राउंड जीत चुका था डैश। तो यार यहाँ पे तो टाई हो चुका है। तो आज के इस बिल्ड बैटल का तुमको विनर कौन लगा, तुम मुझे कमेंट बताओ। तो एक काम करो, तुम लोग कमेंट में लिखो कि यहाँ पे डैश विनर है, राहुल विनर है, या फिर फ्लिक विनर है। और अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो को लाइक हम लोग रखते हैं 4000 लाइक्स। तो बस यार मैं अभी मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।